Good morning and welcome to all the students. Students, today we are going to discuss the very important letter writing. So first of all, we will discuss its features. सबसे पहले इसके features discuss करें. तो features start करने से सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं marking scheme. यानी कि आपको जो marks मिलते हैं, suppose ये letter writing 6 marks का आता है, so 1 marks you will get for format. यानी कि आप जो format लिख रहे हैं, वो आपका कितना correct है, उस पर आपको 1 marks मिलेंगे. Content you will get 3 marks. जो आपकी मेन बॉडी जो आप लिख रहे हैं उसमें 3 मार्क्स आपको प्रोवाइड होंगे. एक्सप्रेशंस में आती है आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और रिलेवेंस. रिलेवेंस मतलब होता है कि आपका जो आप लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट के साथ कितना मैच करता है. तो इन तीनों के बेसिस पे आपको टोटल मार्क्स दिए जाएंगे. दिस इज़ कॉल्ड द मार्किंग स्कीम. आफ्टर दैट वी कम टू द मेन एलिमेंट ऑफ द लेटर. यानी कि जो फॉर्मेट लेटर राइटिंग का होता है वो कैसा रहता है, इस पर हम बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंडर्स एड्रेस, यानी कि भेजने लेटर भेजने वाले का पता. यू डोंट हैव टू राइट योर नेम. जो एड्रेस जो लेटर भेज रहा होता है वो अपना नेम वहाँ पे मेंशन नहीं करता. देन वी कम टू द डेट. डेट का ये फॉर्मेट आप देख लीजिए. रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि आपका लेटर जो रिसीव करेगा, यानी कि जिसको आप भेज रहे हैं लेटर, उसका डिटेल एड्रेस यहाँ पे आएगा. नेम, डेजिग्नेशन, कंप्लीट एड्रेस. उसके बाद आता है सब्जेक्ट. ये थोड़ा सैल्यूटेशन और सब्जेक्ट मैंने ऊपर नीचे लिखा है, बट एरो से आप लोग समझ जाएंगे. फोर्थ नंबर पे आता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो है इट शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. सब्जेक्ट बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए, बहुत लेंदी 3-4 लाइन का, 2 लाइन का हम इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं लेंगे. शॉर्ट लिखेंगे और बिल्कुल बात को समझाने वाला छोटा सा सेंटेंस. और उसके बाद नेक्स्ट पे आता है सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन जैसे किसी अननोन पर्सन को लिख रहे हैं तो डियर सर मैम या रिस्पेक्टेड सर मैम लिख सकते हैं, और अपने किसी नियर रिलेटिव को लिख रहे हैं तो माई डियर डैड या माई डियर फ्रेंड, इस तरह से हम लिख सकते हैं. उसके बाद देन वी कम टू द बॉडी. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. बॉडी यानी कि जो आप टोटल अपना मेन मैटर लिखने वाले हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा. ये पूरा डिटेल आप लोग इस तरह से लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. तो आपकी जो मेन बॉडी वो 3 पार्ट में डिवाइड होने वाली है. फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसमें आप पर्पस ऑफ राइटिंग, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप अपनी लेटर क्यों लिख रहे हैं उसका पर्पस लिखेंगे. उसके बाद इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ, यानी कि अपने जितनी भी आपकी कंप्लेन है या जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सारी आप इस इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे. उसके बाद लास्ट जो इस पैरा को एंड करेंगे वो कंक्लूडिंग पैराग्राफ से करेंगे. आप क्या होप रखते हैं, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं उससे क्या होप रखते हैं, आपकी क्या रिक्वेस्ट है या कौन सा कमेंट आप देना चाहते हैं, उसके बेसिस पे ये जो आपका मेन बॉडी है इन 3 सब पार्ट्स में डिवाइड होकर जब आप लोग लिखेंगे तो यू विल गेट द फुल मार्क्स. आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर में क्या होता है, जैसे आप लोग लिखते हैं योर सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर्स अफेक्शनेटली, ये 3 वर्ड आपके 3 या 4 या आप और भी हो सकते हैं, तो इनके बेसिस पे आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे. उसके बाद अपना सेंडर्स नेम, यानी कि जो भेजने वाला है उसका नाम यहाँ पे आएगा. सपोज राघव गुप्ता उनका नाम है. तो इस तरह से दिस इज हेयर वी हैव डिस्कस द होल फॉर्मेट ऑफ द लेटर. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द लेटर. तो यहाँ पे हम उसका एग्जाम्पल लेके आए हैं. देखिए तो क्या आ रहा है. लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली अबाउट वाटर शॉर्टेज इन योर कॉलोनी और लोकेलिटी. यानी कि आपको हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को लेटर लिखना है जिसमें आप अपने एरिया में होने वाली वाटर शॉर्टेज यानी कि पानी की कमी पे एक कंप्लेन कर रहे हैं. तो दिस इज अ कंप्लेंट लेटर. ओके, हमें समझ जाना चाहिए कि हम रिलेटिव के लिए लिख रहे हैं या कोई कंप्लेन लिख रहे हैं. यहाँ पे आप पानी की कमी के लिए लिख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम के एडिटर को, तो ये कंप्लेन लेटर हो गया. ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा था सेंडर्स एड्रेस. तो आ गया देखिए, फ्लैट 9 ABC कॉलोनी गाजियाबाद 20108. तो ये सेंडर्स एड्रेस हो गया. उसके बाद डेट आ गई. उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली. लिखने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, आप ध्यान से इसको देखते रहें. उसके बाद आता है सब्जेक्ट, वाटर स्कैसिटी इन ABC कॉलोनी, यानी कि पानी की कमी ABC कॉलोनी में. छोटा सा है लेकिन बात पूरी समझ में आती है कि ये लेटर किस बारे में. उसके बाद आता है आपका सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन हम ये एडिटर को पर्सनली अगर नहीं जानते हैं तो हम इनके लिए डियर सर लिखेंगे. उसके बाद हमारा मेन बॉडी शुरू होता है. तो देख, मेन बॉडी को आपको याद होगा कि हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, इंट्रोडक्टरी पार्ट, इन्फॉर्मेटिव और कंक्लूडिंग. तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखिए हम क्या लिख रहे हैं. थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर
आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ गाजियाबाद अबाउट वाटर स्कैसिटी इन अवर लोकेलिटी। यानी कि आपने अपना पर्पस क्लियर कर दिया कि आप हिंदुस्तान टाइम्स के पेपर के थ्रू कंसर्न्ड अथॉरिटी यानी कि गाजियाबाद में जो भी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो पानी की सप्लाई को चेक करती हैं उनका ध्यान आप अपनी ओर खींच रहे हैं क्योंकि आपके कॉलोनी में वाटर की स्कैसिटी यानी कि पानी की कमी है। अब हम इसमें मेन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेटिव पैराग्राफ। इन अवर कॉलोनी वाटर इज सप्लाइड फॉर ओनली 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड फॉर द सेम टाइम इन द इवनिंग। यानी कि हमारी कॉलोनी में सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट पानी आता है विच इज़ नॉट सफिशियंट फॉर अस, जो कि हमारे लिए काफ़ी नहीं है। इवन द क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ वेरी अनहाइजीनिक, और यहाँ तक कि पानी की जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा दूषित किस्म की है, यानी कि गंदा पानी वहाँ पर आता है। अब आगे बढ़ रहे हैं। Recently, there have been many cases of waterborne disease such as typhoid and jaundice. और इसी बीच आप बता रहे हैं कि पानी से फैलने वाली कई बीमारियां वहाँ पे फैलती रही हैं जैसे typhoid और jaundice. The shortage and the quality of water are causing immense stress all around. यानी कि पानी की कमी और पानी की क्वालिटी को लेकर चारों तरफ बहुत ही तनाव का माहौल है। We have complained many times, but all in vain. हमने कई बार कंप्लेन करी लेकिन सब बेकार गई या बर्बाद हो गई। अब ये तो हमने मेन कंप्लेन कर दी, अब इसका थर्ड जो पार्ट है वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, कंक्लूडिंग पैरा, यानी कि आप इस अथॉरिटी से क्या उम्मीद करते हैं। वी होप दैट द कंसर्न्ड अथॉरिटी विल टेक इमीडिएट स्टेप्स टू इंश्योर वाटर सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी वाटर। तो आप उम्मीद कर रहे हैं कंसर्न्ड अथॉरिटी से, यानी कि संबंधित जो भी विभाग हैं उनसे आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस लेटर को पढ़ने के बाद वो जल्दी से जल्दी एक सही स्टेप लेंगे ताकि उनके पास अच्छी और प्रॉपर वाटर की सप्लाई हो पाए। इसके बाद ये कंक्लूडिंग पैरा ख़त्म हो गया और तीन पार्ट में ये मेन बॉडी हमने कवर कर ली। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, यानी कि थैंकिंग यू हम यहाँ पर बोलते हैं, और उसके बाद योर्स फेथफुली हम यहाँ पर लिख रहे हैं, लास्ट में नेम लिख करके राघव गुप्ता। इस तरह से हम लेटर को कवर करेंगे। सो दिस वॉज द होल लेटर वी टॉक्ड अबाउट। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस पर आप लोग ध्यान रखें कि अलग अलग किस्म के हमारे पास लेटर आ सकते हैं, तो उनको हम जब हम मेन बॉडी स्टार्ट करें तो किस तरह से हम उनको स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज़ हम कोई इंक्वायरी करना चाह रहे हैं, इंक्वायरी अगर हम लोग करना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो उनको स्टार्ट करने के लिए हम कुछ स्पेशल लाइन से हैं जो हम लिख सकते हैं, जैसे वी आर इंटरेस्टेड इन करके आप स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, या फिर आप वुड यू प्लीज़ इन्फॉर्म मी, इस तरह से इंक्वायरी वाले लेटर को आप स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज़ यू आर राइटिंग ए कंप्लेंट लेटर, जैसे अभी आपने लिखा, तो उस लेटर को आप वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, सपोज आप किसी डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं, कोई कंप्लेन है, वाटर डिपार्टमेंट को डायरेक्टली लेटर लिख रहे हैं या DM को लिख रहे हैं, SSP को लिख रहे हैं, तो अगर कोई कंप्लेन है तो वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, यानी कि हमें बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, इस तरह से आप कह सकते हैं। आई एम राइटिंग टू कंप्लेन अबाउट, मैं एक कंप्लेन के लिए आपको लिख रहा हूँ, इस तरह की स्टेटमेंट से आप लेटर शुरू करेंगे तो वो बहुत अच्छे लगेंगे। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशंस फॉर जॉब, अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उस लेटर को ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन, यानी कि आपने जो एडवर्टाइजमेंट दिया था उसके रिस्पॉन्स में किस भी न्यूज़पेपर में दिया था उसका आगे नाम लिख करके आप शुरू कर सकते हैं, और या तो आप आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऐसा लिख करके आप अपना लेटर की मेन बॉडी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी एडिटर को लिख रहे हैं, जैसा अभी आपने एडिटर को लिखा था, तो आप क्या लिख सकते हैं, आई विश टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी, यानी कि मैं संबंधित विभागों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहूँगा, इस तरह से आप सेंटेंस बना के शुरू कर सकते हैं, या फिर जैसा अभी हमने किया था, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, यानी कि आपके प्रसिद्ध अखबार के कॉलम के थ्रू मैं अपनी बात को कहना चाहता हूँ। सो ये कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हैं विच इफ़ वी आर गोइंग टू अप्लाई इन योर एग्जामिनेशन, स्पेशली इन राइटिंग द लेटर्स, सो वी विल गेट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द एग्जामिनर साइड। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट एंड थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़।